अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दसवीं क्लास उर्दू के मुतालिक और आपकी पेरेंट्स ही हम आपको बताएंगे कि वो तमाम तलबा जिन्होंने दसवीं क्लास साइंस ग्रुप से या आर्ट्स ग्रुप से, चूँकि उर्दू लाजमी मजमून है लिहाजा वो साइंस ग्रुप के तलबा का भी होता है, आर्ट्स ग्रुप के तलबा का भी होता है, तो आपकी पेरेंट्स ही हम डिस्कस करेंगे उर्दू की। आप में से वो तमाम तलबा जिन्होंने दसवीं क्लास का उर्दू का पेपर 2022 में देना है, वो अगर इस पेरिंग स्कीम को मद्देनजर रखेंगे, इस पेरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस होंगे उनकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी। और अगर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो वाजह होगा कि आपके पेपर में परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, जिसके बाद आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। अब देखते हैं कि जारी की गई जो टेंटेटिव आपकी पेरिंग स्कीम है उर्दू की, उसके मुताबिक कौन कौन से जो चैप्टर्स या अबवाब हैं जिनको आपको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, और अगर उनकी आप तैयारी अच्छी कर लें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आ सकता है। अब इस मुतालिक अगर देखा जाए तो सवाल नंबर वन जो आपका है मारूजी आते हैं, अब उसमें देखेंगे तो नसर है, नज़म है, गज़ल है, कवैद इंशा है, ग्रामर की रूस है, अराब और या दुरुस्ती तलफ़ हैं, ये आपके जो टॉपिक्स हैं जिनको आपने ज़्यादा फोकियत देनी है। सवाल नंबर दो में अशार की तशरी आती है, अशार की तशरी नज़म और गज़ल दोनों हिस्सों से आती है, तो उसमें है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, नज़म में से चार में से तीन आपने करने होते हैं, और इसी तरह हसरत मोहनी गज़ल है और जिगर मुरादाबादी की गज़लें हैं, इन गज़ल में से तीन में से दो आपने अशार की जो तशरी करनी होती है। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर तीन आ जाता है जो कि पैराग्राफ की तशरी होता है, पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले निसफ सबाक से जबकि दूसरा बकाया निसफ हिस्सा से होगा, और सबाक जो होंगे नसर पारों की तशरी उसमें है हमद नात नज़रिया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ मलमा, और इसी तरह चुगलखोर और नामदेव माई और अली बख्श। सवाल नंबर चार जो आपका आ जाएगा मुख्तसर सवालात के जवाबात होंगे, जो कि हिस्सा नसर हिस्सा नज़म से आएंगे, हिस्सा गज़ल से आएंगे, और आठ में से कोई से पाँच आपने करने होंगे। सवाल नंबर पाँच में सबक का खुलासा आपने करना होगा, पहला खुलासा सबक के निसफ हिस्सा से जबकि दूसरा खुलासा अगले निसफ हिस्सा से होगा, यानी आपके जो अगर तशरी की बात की जाए तो पहले हिस्से से एक तशरी आएगी और एक खुलासा आएगा, दूसरे हिस्से से भी एक तशरी और एक खुलासा आएगा, और आपने उनमें से कोई एक करना है। और सवाल नंबर सिक्स में मज़ामीन आ जाएंगे, पहले निसब में से एक और दूसरे निसब में से एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, और आपने कुल तीन में से एक मजमून जो है वो तहरीर करना होगा। और सवाल नंबर सात में उर्दू कवैद इंशा होगा, तफहीम इबारत होगा या अशार पर मबनी सवालात होंगे, और इसी तरह ये होंगे, और वाजह तौर पर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि आपके कौन कौन से पेजेस हैं जो आपको ज़्यादा फोकियत के हामिल हैं, जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। जिसके बाद आपके पास अगर नज़म गज़ल और असबाक की बात की जाए तो जिनको आपको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ज़्यादा टाइम जिन पर ज़्यादा आपको अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, उसमें है कि नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, गज़ल हजरत मोहानी, जिक्र मुरादाबादी, ये मैं आपको इससे कबल भी बता चुका हूँ, एक बार फिर इस पर ज़ोर इसलिए डाल रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा तवज्जो कीजिएगा। असबाक में नसर पारों की तशरीह और मुख्तलिफ सवालात के जवाब, सबक का खुलासा, हमद नात नज़रिया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, चुगलखोर, नामदेव मलाई मध्य माली, और इसी तरह अली बख्श, उर्दू कवैद शाह मजमून निगारी, सफ़र नंबर आपने 84 से 100 तक तैयार करने हैं। वो तमाम तलबा जो दसवीं क्लास उर्दू का पेपर देने जा रहे हैं, इस जो पेरिंग स्कीम है, ये जो चैप्टर्स हैं, जो मजमून हैं, जो आपके असबाक हैं, जो आपकी गज़लें आपको बताएगी, जो आपको नज़में बताएंगी, अगर इन पर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे तो बहुत हद तक जो चांसेस होंगे आपके पेपर की तैयारी अच्छी होगी, अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो यकीनी तौर पर आपका रिज़ल्ट भी शानदार आएगा। आप तमाम तलबा के लिए बेस्ट विशेज, आपके लिए किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट की पेरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।